सनातन धर्म में अक्षय तृतीया तिथि का विशेष महत्व है। वैशाख मास की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। इस पर्व से सनातन धर्म की अनेक कथाएं और घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इस पर्व का संबंध जैन धर्म से भी है, यही वजह है अक्षय तृतीया को परम कल्याणकारी तिथि माना जाता है। इस तिथि को किए गए पूजा पाठ और दान का विशेष फल मिलता है। साधक के जीवन से सभी तरह के कष्टों का निवारण हो जाता है। आइए जानते हैं इस तिथि से विशेष क्या घटनाएं जुड़ी हैं, क्यों खास है अक्षय तृतीया पर्व। अक्षय तृतीया पर्व से 12 विशेष घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इस दिन भगवान नर नारायण, परशुराम जी और हयग्रीव जी का अवतरण हुआ था। इसी तिथि को रावण के सौतेले भाई कुबेर जी को खजाना मिला था। इस दिन सुदामा जी भगवान कृष्ण से द्वारिकापुरी में मिले थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी ने व्रत का पारण किया था। इस तिथि से महाभारत ग्रंथ की रचना शुरू हुई। इसी तिथि से सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई। द्वापर युग का समापन अक्षय तृतीया को हुआ। श्री आदि शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्त्रोत की रचना भी इसी तिथि को की। इसी तिथि को महाभारत युद्ध का समापन हुआ। अक्षय तृतीया से ही चार धाम की यात्रा शुरू होती है। इसके साथ ही सिर्फ इसी तिथि को श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया तिथि से इस तरह की घटनाएं विशेष रूप से जुड़ी हैं। यही वजह है अक्षय तृतीया तिथि को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि को शास्त्रों में विशेष तिथि माना जाता है। इस दिन से शुरू किए गए कार्यों में शुभता बनी रहती है। यही वजह है नूतन ग्रह प्रवेश, व्यापार का शुभारंभ, खरीदारी करना विशेष फलदायी माना गया है। इस महापर्व पर हमें भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के साथ पितरों की पूजा के लिए तर्पण पिंडदान भी करना चाहिए। भगवान और पितरों की कृपा से घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। साथ ही श्री हरि के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। ज्योतिष और धर्म से जुड़ी इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और न्यूज नेशन स्तुति।